नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। हमने अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर वन को हमने स्टार्ट किया था। लास्ट जो तीन चार हमने जो वीडियो देखे उसके अंदर हमारा पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग किस प्रकार की हमारी इंट्रोडक्शन लेवल था वो हमने सीखा था। वहाँ पर हमने उसके मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर पार्टनरशिप डीड और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने वहाँ पर प्राप्त की थी। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछे गए या आने वाले दिनों में जो पूछे जाने वाले हैं वो है बोर्ड के रिलेटेड शॉर्ट एग्जाम्पल जो पार्टनरशिप के रिलेटेड हमारे पास दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे बोर्ड के अंदर जो हमारी पैटर्न है उस हिसाब से सेक्शन सी में ये प्रश्न पूछा जाता है और इसका वेटेज हमें दिया गया है 3 मार्क्स। तो ऑल ओवर ये हमारे पास 8 से 9 प्रकार की मेथड्स हमें यहाँ पर दे रखी है। तो किस प्रकार से हम इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से इसके हम नज़दीक पहुँचेंगे सीखने के लिए, वो हम आज सीखने वाले हैं। तो आज की बात जो हमारी वो है पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग दिए गए शॉर्ट एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, आपके पास भी टेक्स्ट बुक होगी तो आपको टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इलस्ट्रेशन के एग्जाम्पल और इसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल दिए गए हैं एक्सरसाइज के अंदर वो आपको घर पर बैठ के उसका वो सॉल्यूशन करना है, ताकि दो प्रकार के एग्जाम्पल हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन भी हम सीख लेंगे और साथ साथ में उसके अकॉर्डिंग वैसे ही एग्जाम्पल हमें एक्सरसाइज में दिए गए वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा दो काम हमारे एक साथ हो सकता है। तो आपको अभी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है और टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर है हमारा 14। तो वहां पर हमें दिया गया इलस्ट्रेशन 1 वो हम आज देखते हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, मैंने बोर्ड के ऊपर उसकी अमाउंट यहां पर लिख रखी है और किस प्रकार से इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं थियरी के साथ ही एग्जाम्पल को साथ साथ में हम सीखते चलेंगे। तो हमारी जो अमाउंट है वो इस प्रकार से, हीरल वन ऑफ द पार्टनर्स इन अवर पार्टनरशिप फर्म विड्रॉज ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इफ 10% पर एन्यूम इंटरेस्ट इन चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स डिटरमाइन टोटल एन्यूअल ड्रॉइंग्स एंड नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो फ्रेंड्स, हमें ये 2 या 3 लाइन के अंदर ये एग्जाम्पल हमें दिया गया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है वो पहले सीख लेते हैं। हीरल जो नाम दिया गया है वो हमारे फर्म की एक पार्टनर्स है, उसने क्या किया। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि यहाँ पर पार्टनर्स और पार्टनरशिप से बनी हुई पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होती है। पार्टनर्स फर्म को क्या देता है, कैपिटल देता है, तो फर्म उसको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। यहाँ पर वैसे ही पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी फर्म में से ले जाता है, उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर पार्टनर्स ने विड्रॉ किया ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एक लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के महीने की शुरुआत में वो ₹500 विड्रॉ करता है, ऐसा उनका नियम बनाया था। ये पार्टनरशिप डीड में उन्होंने एग्रीमेंट में ये बात लिखी थी कि मान लो कि किसी भी महीना की हम शुरुआत करते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल महीने से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को वो एंड होता है यहाँ पर। तो जैसे ही 1 अप्रैल आती है तो वो ₹500 विड्रॉ कर लेता है यहाँ पर, ठीक है। फिर 1 मई फिर से 500 विड्रॉ किए, 1 जून 1 जुलाई ऐसे करते करते वो 1 मार्च तक वो ₹500 विड्रॉ करता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आपको समझना है यहाँ पर टोटल विड्रॉ नहीं है हमारे पास, हर महीने की शुरुआत में ₹500 विड्रॉन बाय पार्टनर्स। तो अमाउंट कितनी विड्रॉ की उसने, ₹500, ठीक है, उतना हमें यहाँ पर पता चल गया। अब क्या हुआ यहाँ पर कि पार्टनर्स हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ करता है यहाँ पर, तो एक सिंपल प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, डिटरमाइन द ऑफ टोटल एनुअल ड्रॉइंग्स, उसने कितना टोटल विड्रॉ किया। तो सिंपल कैलकुलेशन हमारे पास हम लिख सकते हैं यहां पर आंसर ऐसा करके, नंबर 1 टोटल एनुअल ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू, तो हर महीने की शुरुआत में ₹500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ इज इक्वल टू 12 मंथ, तो उसने कितना विड्रॉ किया यहां पर, ₹6,000 उसने टोटल विड्रॉ किया, यानी पूरे साल के अंदर उसने ₹6,000 उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। ये हमारा पहला आंसर था, बहुत इजी था, जो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड बात पर आते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
हमें ये जो हमने विड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट काउंट करना है। किस प्रकार से हम काउंट करेंगे? तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ इतना याद रखना है कि जब भी इस प्रकार के एग्जाम्पल होता है तो हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर 500 रुपीज़ लेना है, चूँकि हमारे दर महीने के शुरुआत में हमने विड्रॉ किए थे वो 500 रुपीज़। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट हमें दिया गया है, वो रेट दिया गया 10% मल्टीप्लाई 10/100, राइट। अब हमें एक स्टेप यहाँ पर लिखना है, चूँकि वो स्टेप में किस प्रकार से आता है वो हम इसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं, वो स्टेप पहले पूरा कर लेते हैं। हमें यहाँ पर लिखना है 78/12, ऐसे करके हमें ये एग्जांपल को कंप्लीट करना है। तो आप पूछोगे या ऐसा कहोगे कि सर ये 78/12 कैसे आया, वो हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें ये स्टेप में ऐसा लिखना है, कब लिखना है ये, कि जब हमें दिया गया हो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में हो, तो ये स्टेप में 78/12 लिख के इस एग्जांपल को कंप्लीट करना है। लेकिन कैसे आया वो हम समझ लेते हैं। तो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। मैं आप ऐसा मान लो कि अप्रैल महीने की फर्स्ट डेट को मान लो कि हीरल ने विड्रॉ किया था 500 रुपीज। तो आप समझो अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है, ये हर महीने थे, 12 महीने हमारे पास आ गए। अब आप सोचो कि फर्स्ट अप्रैल के दिन उसने 500 विड्रॉ किए, ठीक है ना, तो उसको कितने महीने का पे करना रहेगा इंटरेस्ट? तब मंथ काउंट कर लो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो उसको ये 500 विड्रॉ किए उसके ऊपर उसके 12 मंथ का इंटरेस्ट पे करना होगा। ये सिंपल बात। फिर सोचो फर्स्ट में आया, 500 विड्रॉ किए उसने, अब उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो पे 11th महीने का करना पड़ेगा इंटरेस्ट। नाउ फर्स्ट जून, फिर से जून से काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, तो उसको 10 महीने का पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से फर्स्ट जुलाई, आप काउंट कर सकते हो 9 मंथ, 8 मंथ, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मान लो कि फर्स्ट मार्च है, आप समझ सकते हो कि पहले मार्च के दिन उसने विड्रॉ किया, एंड ऑफ द ईयर 31st मार्च, टोटल मंथ इज इक्वल टू 1 मंथ, राइट। तो इस प्रकार से आप मंथ काउंट करो, यहाँ पर 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 78। तो ये आपको इस प्रकार से 78 आया वो आपको याद करना है, यहां पर किस प्रकार से आया वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने जो काउंट किया वो था हमारा मंथ वाइज। तो ये आपको ये अपने बैकग्राउंड में याद करना है। मान लो कि हम एग्जाम में बैठे हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन करके गए, और कई बार कन्फ्यूजन में भूल जाते हैं कि सर हमें 78 लेना था या 68 लेना था या 88 लेना था। तो आप रफ वर्क के अंदर या वर्किंग नोट के अंदर ये कैलकुलेशन करके आप इसका टोटल कर देना, ताकि आपको मिल जाएगा 78, और इसको सीधा अपने स्टेप में लेके आ जाओ 78/12, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर दिया गया कैलकुलेटर, आप उससे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 500 × 10 / 100 × 78 / 12 = इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू 325 रुपीज। बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको करके इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करना था। तो मेन इस एग्जाम्पल की मेन थीम कौन सी थी? हमें वो याद करना था 78/12, वो कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया, ठीक है। ये था उसका वर्किंग नोट। लेकिन ये आपको फिर से बताता हूँ, ये आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है, जब एग्जाम में चेक होगा तो 6000 रुपीज़ 325, आपको यहाँ पर स्कोर हो जाता है आपका 3 मार्क्स, राइट। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी मेन थीम थी वो थी हमारे पास 78/12, राइट। ये एग्जांपल कंप्लीट हुआ। अब इसके साथ एडिशनल हम एक बात याद कर लेते हैं कि 78/12 मान लो कि हमने लिख दिया, लेकिन ये बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ था। मान लो कि एंड ऑफ द मंथ होता तो हम क्या करते? ऐसा भी हो सकता है ना हमारे पास कि हर पार्टनर पहले दिन ही पैसे विड्रॉ करता है, तो ऐसा थोड़ी होगा। मान लो कि सिचुएशन ऐसी हुई कि एंड ऑफ द एवरी मंथ है ना, मान लो कि हीरल थी, वो एंड ऑफ द एवरी मंथ यानी जो फर्स्ट अप्रैल के दिन विड्रॉ करती थी, अब उसकी जगह वो 30 अप्रैल के दिन वो विड्रॉ करते हैं हमारे पास, 31 मई के दिन है ना विड्रॉ करते। तो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर आपको याद करना, ये जो 78/12 था इसकी जगह आपको 66/12 ऐसी फॉर्मूला में आपको पुटअप करना है वहां पर,
ठीक है। तो ये आप फिर से वही बात यहाँ पर आप कलेक्ट करो, यहाँ पर मान लो कि 1 अप्रैल के दिन था, है ना, तो उसने कब किया, 30 अप्रैल के दिन किया, तो एंड ऑफ द मंथ है यहाँ पर, तो अप्रैल महीने का उसको काउंट करना नहीं है, तो उसको कितने महीने का पे करना होगा, आप समझ सकते हो कि उसको यहाँ पर पे करना कितना, 11 महीने का, ठीक है। यहाँ पर मई के अंदर उसने 31 मई के दिन उसने विड्रॉ किया, तो मई नहीं काउंट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर अप्रैल का तो पे करना नहीं यहाँ पर, तो उसको आप कैलकुलेट करते करते चलोगे, है ना, जितने महीने का पे करना है तो आप कैलकुलेट करते करते चलोगे, तो इसका जो टोटल हमने किया था वो होगा कितना, 66/12, क्योंकि 31 मार्च के दिन मान लो कि विड्रॉ करता है यहाँ पर, तो उसको कुछ भी पे करना नहीं है। मान लो कि फरवरी के दिन 28 या 29 को विड्रॉ करता है यहाँ पर, तो उसको 1 महीने का, 2 महीने का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो इस प्रकार से, है ना, दो प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं इस मेथड के अंदर। कौन से एग्जाम्पल, वो मैंने आपको बता दिया, मान लो कि वो हो सकता है हमारे पास एंड ऑफ द मंथ या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो इसके अंदर अब आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं। अब आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो इस प्रकार का मान लो कि एग्जाम्पल पूछा जाता था, आप कौन सा सॉल्व करोगे, तो एक्सरसाइज में दिया गया है 3 नंबर का एग्जाम्पल, उसके अंदर सब अमाउंट है वो 1, और एक्चुअली पेज नंबर है आपके पास दिया गया पेज नंबर 30 के ऊपर ये एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप घर पे बैठ के भी इस प्रकार के एग्जाम्पल को आप सॉल्व करोगे, तो आपको इसके अंदर मुझे लगता नहीं है कि कोई परेशानी अब आएगी, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5 के ऊपर, ठीक है, इलिस्ट नंबर 5 जो कि दिया गया पेज नंबर 17 के ऊपर। अब उसके ऊपर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब आप अमाउंट टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो या बोर्ड के ऊपर भी देख सकते हो। यहाँ पर नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद नंबर 5 रिया दिलीप एंड कीर्तन, ठीक है, फिर से हम बोलता हूँ, यहाँ पर रिया दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये लाइन से हमें क्या पता चला कि ये पार्टनरशिप के अंदर 3 पार्टनर्स हैं जिनका नाम क्या है, वो रिया दिलीप एंड कीर्तन। इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। अब जो मेन बात है यहाँ से आ रही है, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 शेयर ऑफ दिलीप ना, ये कुछ बताया उसने, क्या बताया वो कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा। तो शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 शेयर ऑफ दिलीप, को क्या किसको मिल रहा है वो बाद में। नाउ शेयर ऑफ रिया इज 2/शेयर ऑफ कीर्तन, वो भी 2 लाइनें कुछ बता रही है, लेकिन वो हम पूरे अमाउंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा। डिटरमाइन क्या फाइंड आउट करना है, वो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर्स ऑफ प्रॉफिट, हर एक पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो हमें उसको काउंट करके देना है, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,92,000, फर्म ने 1,92,000 पूरे साल में अर्न किया है प्रॉफिट, राइट। तो हर एक एग्जाम्पल को पढ़ने से हमें पता होना चाहिए कि क्या हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, हमें पता होना चाहिए कहाँ कंक्लूजन लेना है हमें। तो ये इस एग्जाम्पल को सीखा तो हमें ये पता चल गया यहाँ पर सिर्फ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड आउट करना है। इसी फॉर्मूला में 2 ही बात आ सकती है, 78/12 या तो 66/12, उसके अलावा कुछ नहीं, राइट। तो अब इस एग्जाम्पल में क्या फाइंड आउट करना है, तो ऐसे एग्जाम्पल के अंदर पहले हमें फाइंड आउट करना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो ये हमारी मेन बात हुई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कि यहाँ पर किस प्रकार से, फ्रेंड्स मैंने सीखा था थियरी के अंदर कि पार्टनरशिप डीड के अंदर मान लो कि कुछ भी बताया नहीं है हमें, तो हम इक्वल रेशियो में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दिया है तो उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फ्रेंड्स एक ही लाइन होती ना, तो मैं 1,92,000 को मल्टीप्लाई 1/3 करके सॉल्यूशन कर सकता था, लेकिन ये हमें 2 लाइन यहां पर दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास, उसके बेस पर ही पूरा एग्जांपल हमें सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात क्या हुई, 3 पार्टनर्स थे हमारे, कौन कौन से, रिया दिलीप एंड कीर्तन, देयर आर 3 पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, राइट। अब देखो द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप, हमें क्वेश्चन आंसर करना है खुद को, और हमें पूछना है, क्या पूछना है, द शेयर ऑफ कीर्तन इज वॉट, हाँ यहाँ पर लाइन मैंने कर रखा है, यहाँ पर यहाँ से प्रश्न हुआ, द शेयर ऑफ कीर्तन इज वॉट, एज्यूम करना पड़ेगा हमें, द शेयर ऑफ कीर्तन इज वॉट, तो अब आंसर मिला क्या, 1/5 शेयर ऑफ दिलीप, है ना, ये क्वेश्चन आंसर मेथड हमारी। अब कोई भी एग्जांपल आपको दिया जाता है तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कौन सा, अब आपको पूछो सर क्वेश्चन आंसर क्या है एक्चुअली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किसको एज्यूम करना है, हम एज्यूम किसको करेंगे, कीर्तन को या दिलीप को,
तो ये परेशानी वाली बात होती है। तो डाउट्स हमेशा क्लियर होने चाहिए, है ना, ताकि हमें किसी भी परेशानी का हमें सामना करना नहीं पड़े और हम अच्छी तरह से अकाउंट को अंडरस्टैंड कर सके या समझ सके। ठीक है, ओके। द शेयर ऑफ कीर्तन इज वॉट, ये हमने प्रश्न पूछा, तो जवाब क्या मिला मेरे सामने, 1/5 शेयर ऑफ दिलीप, दिलीप का 1/5, है ना। तो आपको एक सिंपल एक लाइन बता देता हूं, जो आपको आंसर देता है, जो आपको आंसर मिल रहा है, आपको उसको सपोज करो, है ना, किसको एज्यूम करोगे। तो फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं बार बार, द शेयर ऑफ कीर्तन इज वॉट, 1/5 शेयर ऑफ दिलीप, दिलीप का 1/5, है ना। तो जो आंसर मिल रहा है उसको हम सपोज कर रहे हैं, तो हम यहां पर सपोज कर रहे हैं कौन सा शेयर, दिलीप शेयर इज इक्वल टू 1, है ना, उसको हम क्या सपोज करें यहां पर, 1 हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा, कीर्तन का शेयर कितना होगा, 1/5, है ना, 1/5 शेयर हमें लेना होगा हमारे पास। तो एक बार फिर से आप समझ लो, द शेयर ऑफ कीर्तन इज वॉट, 1/5 शेयर ऑफ दिलीप, दिलीप का हमें 1/5 लेना है। तो हम दिलीप का शेयर जो है 1 नहीं, लेकिन हम 5 हम या 5 फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहां पर 1/5 दिया गया, यहां पर 5 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर थे, द शेयर ऑफ कीर्तन इज वॉट, 1/5 शेयर ऑफ दिलीप, दिलीप का 5वां भाग, 1/5। ठीक है, तो दिलीप को हम 5 फाइंड आउट करते हैं, तो यहां पर कितना मिल जाएगा, कीर्तन शेयर इज इक्वल टू 5 × 1/5, हो गया ना, जो दिलीप का शेयर है, दिलीप का शेयर कितना, 5, उसका 1/5, है ना। तो 1/5 काउंट करोगे तो कितना होगा हमारे पास, 1 हमें फाइंड आउट हो जाता हमारे पास। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिलीप इज इक्वल टू 1 एंड कीर्तन इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने ये देख लिया। ठीक, अब आप समझ सकते हो नेक्स्ट बात, शेयर ऑफ रिया इज वॉट, डबल ऑफ कीर्तन, जो कीर्तन था उसका डबल, तो हम लिख सकते हैं यहां पर रिया शेयर इज इक्वल टू डबल ऑफ कीर्तन, कीर्तन का डबल यानी 1 × डबल कर सकते हैं यहां पर यानी 2। तो रिया का जो शेयर हो सकता है कितना हो सकता है, 2। तो हमें रेशियो क्या मिल सकता हमारे पास, तो फिर से दिलीप का शेयर हमने सपोज 5 किया था, और फिर से आप चेक कर सकते हो अच्छी तरह से, दिलीप का शेयर 5, कीर्तन का 1, सॉरी कीर्तन का यहां पर 1 लिख सकते हैं हमारे पास, और रिया का 2। फिर से किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस एग्जाम्पल के अंदर, हम क्या कर रहे हैं, एक तो 2 या 3 मिनट के अंदर समझा दे, फिर से द शेयर ऑफ कीर्तन इज वॉट, 1/5 शेयर ऑफ दिलीप, दिलीप का 5वां हिस्सा, तो हम 5 दिलीप का शेयर सपोज किया, तो दिलीप का शेयर हुआ 5, उसका 1/5 यानी 1/5 करते हैं, इसका शेयर हो गया 1, और रिया को क्या मिल रहा है, दिलीप का डबल, तो दिलीप का शेयर कितना था, 1, उसका डबल यानी 2। तो आप सामने लिख सकते हो दिलीप का 5, कीर्तन का 1 और रिया का 2 हमने लिख दिया, तो रेशियो क्या मिला, 2:5:1 हमें यहां पर काउंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से प्रॉफिट लॉस रेशियो फाइंड आउट करने के बाद आपको जो प्रॉफिट दिया गया 1,92,000, अब लिख सकते हो यहां पर रियाज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,92,000 × 2 आपको सिखाया था 2+5+1 यानी 2/8। ठीक है, रिया के बाद कौन है हमारे पास, दिलीप, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,92,000 × 5/8 एंड लास्ट वन रिया दिलीप एंड कीर्तन, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,92,000 × 1/8। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब कैलसी से आप कर सकते हो यहाँ पर 1,92,000 × 2/8 इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न किया रिया ने 48,000। ठीक है, फिर से 1,92,000 × 5/8 इज इक्वल टू 1,20,000। ठीक है, और लास्ट वन कीर्तन इज इक्वल टू 1,92,000 × 1/8, सो आंसर इज 24,000। आप इसका टोटल करोगे तो भी पता चल सकता है 24,000, 1,20,000 + 48,000 इज इक्वल टू 1,92,000। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन इसके अंदर थी, हमें किसी भी परेशानी में आना नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग जो एग्जांपल हमें एक्सरसाइज में दिया गया, मैं आपको बता सकता हूँ, आपको दिया गया एक्सरसाइज में जो 3 नंबर का जो मेन एग्जांपल है उसके अंदर सब एग्जांपल दिया गया है 5 नंबर, तो हमें उसको काउंट करना है। ठीक है, तो आज की जो हमने सीखा पढ़ाई के अंदर, तो 2 एग्जांपल लिए हमने इस प्रकार के, टोटल 8 से 9 प्रकार की मेथड से, उसको हम जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जा सकता है उस प्रकार से हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको 2 एग्जांपल सिखाए, 2 प्रैक्टिस में दिए, उसको प्रैक्टिस करना, नहीं पता चले तो पर्सनली कॉल करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।